खुशियाँ उससे प्राप्त हो जाती हैं। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान स्वर्वेद महामंदिर धाम न केवल एक आध्यात्मिक संगठन है बल्कि समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। और आज स्वर्वेद महामंदिर धाम के इस पावन परिसर में विहंगम योग की ज्ञान धारा से रचे बसे झारखंड के ओजस्वी तेजस्वी नेता आध्यात्मिक ज्ञान प्रभा से रचे बसे श्रीमान श्री रणधीर सिंह जी प्रिय शिष्य यहाँ स्वर्वेद महामंदिर के दर्शनार्थ यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वर्वेद महामंदिर में जिनकी सेवा जिनकी सद्भावना जिनका प्रेम सदैव से हम सबको प्राप्त हुआ है, स्वर्वेद महामंदिर के निर्माणार्थ स्वर्वेद महाग्रंथ के प्रचारार्थ जन जन तक सेवा भावना से समाज कल्याण की भावना से जो निरंतर कार्यरत हैं भारत माँ के सपूत हैं इनके उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। और आज इनका यहाँ शुभागमन हुआ है झारखंड में ये आगे बढ़ें इनकी जन सेवा जन संपर्क और जन जन तक अपने सेवा के सूत्र को लेकर ये आगे बढ़ें। स्वर्वेद महामंदिर से आज हम सब इनको यही शुभाशीष देते हैं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं भारत की संस्कृति को भारत की ज्ञान गरिमा को ये जन जन तक आगे लेकर जाएंगे और सबके हित और कल्याण का मार्ग निरंतर प्रशस्त करते रहेंगे। आप बोलिए सर कुछ का काम सांस्कृतिक देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारसी के इस पवित्र पावन धरती पर सतगुरु भगवान सदाफल देव महाराज जी के स्वर्वेद और विहंगम योग के प्रकल्प को जन जन तक पहुंचाने के ध्येय के साथ वर्तमान सतगुरु भगवान सतन देव महाराज जी के आशीर्वाद से और देश के विहंगम योग के युवा संत संत श्री विज्ञान देव महाराज जी के सानिध्य में एक बड़ा जो प्रकल्प चल रहा है आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने आप को यहाँ आकर मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे प्रकल्प जहाँ 20,000 से ज़्यादा साधक एक साथ आध्यात्मिक साधना स्वर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे विहंगम योग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपने मानव जीवन के कल्याणार्थ के लिए यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे जो जन जन तक पूरे विश्व में पहुँचाने का काम करेंगे। पूरे विश्व में आध्यात्मिक योग को विहंगम योग को तो जन जन तक पहुँचाने के लिए स्वर्वेद के ज्ञान को यहाँ से लेकर मानव समाज जाएंगे और मानव समाज के कल्याणार्थ के लिए एक बड़ा प्रकल्प वो अपने अपने क्षेत्रों में चला पाएंगे। निश्चित रूप से 2004 से ही ये प्रकल्प यहाँ चल रहा है, बड़े काम सभी लंबा काम यहाँ चलना है। सभी स्वर्वेद से जुड़े हुए सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि स्वर्वेद महामंदिर के इस निर्माण में जो हम सभी का संकल्प है सभी लगें, सबका सहयोग से ये प्रकल्प को जमीन पर जल्द से जल्द उतारना है। मानव कल्याण के लिए ये प्रकल्प को जल्द से जल्द यहाँ की शुरुआत हो हम प्रभु से ही कामना करते हैं और प्रभु की कृपा से बहुत तेज़ी से भी काम चल रहे हैं। 500 से ज़्यादा मजदूर भी यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये लगता है कि 2-3 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगी और फिर ये बड़े सामना का केंद्र होगा पूरे देश के लिए दुनिया के लिए एक पर्यटन के क्षेत्र में भी और साधना के क्षेत्र में एक तो दुनिया के लोग यहाँ आएंगे और ऐतिहासिक धरोहर भारत भूमि में विहंगम योग सतगुरु की कृपा से यहाँ हो रहा है। निश्चित रूप से देश के लिए गर्व करने की वाली बात है। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण जल्द पूरा होगा इसी आशा के साथ
प्रभु भगवान को मैं नमन करता हूँ, प्रभु सुगंधदेव महाराज जी को मैं नमन करता हूँ, विज्ञानदेव महाराज जी को नमन करता हूँ। उनके सानिध्य में मुझे आने का यहाँ मौका मिला और आगे इस प्रकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने का शक्ति लेके सब हम लोग यहाँ से जाएंगे और जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में प्रकल्प को पूरा कराएंगे।